बहुत अरसे पहले की बात है एक ख़ूबसूरत और घने जंगल में टोनी चिड़िया रहा करती थी उसका कोई बच्चा नहीं था और इस बात को लेकर वो परेशान और उदास रहा करती थी वो जब भी किसी परिंदे के बच्चे को देखती तो वो खुश हो जाती और उनके साथ खेलने लगती एक दिन परिंदों के बच्चे जंगल में खेल रहे थे इनमें बास का बच्चा भी था बास का बच्चा बहुत ही खूबसूरत और एक्टिव था टोनी चिड़िया इनके लिए कुछ खाने और अनाज के दाने ले गई बच्चों ये लो खाना बहुत मज़े का है तुम लोग मुझसे दोस्ती करोगे तोते का बच्चा बोला अरे तुम इतनी बड़ी हो और हम इतने छोटे हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है चिड़िया कोई बात नहीं तुम सब मुझसे दोस्ती कर लो मैं तुम लोगों को बहुत मज़े मज़े के खाने दूंगी वो परिंदे के बच्चे ये सुनकर टोनी चिड़िया से दोस्ती कर लेते हैं यूं टोनी चिड़िया की सभी बच्चों से दोस्ती हो जाती है एक दिन चिड़िया खाना लाने जा रही थी कि उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा ऐसा लगता है उस कोने से आवाज आ रही है चलो जाकर देखती हूँ जब चिड़िया ने देखा तो बास का बच्चा झाड़ियों में फंसा हुआ था और बुरी तरह जख्मी था मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है अरे बेटा तुम तुम यहाँ कैसे क्या हुआ तुम्हें तुम झाड़ियों में कैसे फंस गए मैं तुम्हें अभी निकालती हूँ वो चिड़िया बाज के बच्चे को बाहर निकालती है वो बहुत डरा हुआ था देखो अब तुम बाहर आ गए हो और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ इतना बोलकर टोनी चिड़िया बाँस के बच्चे को अपने घर ले गई और ख़ूब देखभाल की इतनी देखभाल और तोज्जह की वजह से वो बच्चा जल्द ही सेहत याब हो गया बेटा तुम्हारा नाम क्या है बास के बच्चे से चिड़िया ने पूछा और बास के बच्चे ने बोला मेरा कोई नहीं और आज से आप ही मेरी माँ हैं मेरी मम्मी डैडी तो शिकारी पकड़ कर ले गया है और आपने मेरी जान बचाई है अब आप ही मेरा सब कुछ हैं क्योंकि मैं अब इस दुनिया में अकेला हूँ यह सुनकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए उसको प्यार किया और अपने बच्चे की तरह पालने लगी जहाँ भी सैर तफरी के लिए जाती टीटू को भी साथ ले जाती उस चिड़िया ने बास के बच्चे का नाम टीटू रखा था अपने नाम से मिलाकर एक दिन वो टोनी और टीटू को लेकर अपनी बहन के घर गई इसकी बहन ने इसे खूब सुनाई टोनी तो तुम्हारा तो कोई बच्चा नहीं है पर हमारे बच्चे छोटे हैं ना? ये क्या लेकर आई हो बाज ये तुमने सही नहीं किया बहन टीटू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो किसी को कुछ नहीं बोलेगा अब चलो हम बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर लें कुछ अनाज लेकर आते हैं टूनी की बहन इस पर यकीन कर लेती है और इसके साथ ही चली जाती है दोनों अनाज ढूंढने जंगल में जाते हैं और जब वहां से वापस आते हैं तो बास के मुंह में खून दिखाई देता है टोनी चिड़िया की बहन गुस्से से बोली देखा मैंने कहा था ना टिटू मेरे बच्चों को खा जाएगा जितनी भी चिड़िया चील के बच्चे की परवरिश कर ले, लेकिन वो रहता बास का ही बच्चा है ये सारी बातें बोलकर चिड़िया की बहन तो वहाँ से चली जाती है लेकिन टोनी का दिल बहुत दुखता है लेकिन वो जब अपने घोंसले में जा कर देखती है तो क्या देखती है कि वहाँ एक सांप मरा पड़ा है और टोनी की बहन के बच्चे बिल्कुल सलामत है और वो अपनी मामा को बोलते हैं मामा अगर आज टीटू भैया ना होते तो हम भी आज यहाँ ना मौजूद होते और आप हमें खो देती टीटू भैया ने उस सांप से हमें बचाया और टीटू भैया खुद भी बहुत जख्मी हुए हैं बच्चों की बात सुनकर चिड़िया की बहन बहुत शर्मिंदा होती है और टोनी चिड़िया से माफी मांगती है और टीटू को गले लगाती है और बहुत प्यार करती है